बीडीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। स्माइल डेंटल केयर दातांचा दवाखाना साई मंदिर रोड रंगारी नर्सिंग होमच्या बाजूला। डॉक्टर स्वप्नील धारगावे भंडारा शहरातील तज्ञ डेंटिस्ट जे आपल्या दातांची योग्य निगा राखून बेस्ट उपचार करतात। आपल्या दातांच्या मजबूतीसाठी एकदा भेट द्या स्माइल डेंटल केयर दातांचा दवाखाना। और ये भंडारा के कलाकार हैं, ये राहुल श्यामकौर जी, जो यहाँ अभी तक शॉर्ट फिल्म में काम करते रहे, लेकिन अभी पहली बार बड़ी फिल्म में, जो फुल लेंथ फिल्म में काम किया है। तो सर जी, आपको आपका रोल कैसे लगा? अच्छा, वो डायरेक्टर साहब ने हमसे करवा लिए, काफ़ी मेहनत करवा लिए हमसे। तो जितना उस किरदार को हम न्याय दे सकते हैं, उतना न्याय देने का हमने प्रयास किए हैं। और फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म काफ़ी अच्छी है, भंडारा जैसी सिटी में इस तरह से मूवी बन सकती है ऐसा उतना मुझे भी, लेकिन इससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, मूवी से भी अच्छी निकली। हाँ, तो अभी बहुत से यहाँ पर दूसरे फिल्म के शो लगे थे, लेकिन इतनी पब्लिक नहीं थी, तो यहाँ पर ये पब्लिक देख के आपको कैसे लगा, क्योंकि आप फिल्म में काम कर रहे हैं? खुशी महसूस हुई मुझे, और सभी हम ग्रामीण भागों के कलाकार हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी बड़ी सिटी से आए हैं और कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। सबने अपना योगदान दिया, सबने अपने तरीके से मेहनत की है। और ये है सर, आप कौन से गांव रहते हैं? सर, रामटेक रहते हैं। ये रामटेक के कलाकार हैं, इन्होंने भी फिल्म में काम किया है, तो कैसे लग रहा है आपको फिल्म में काम करके? और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक छोटे से गांव से हैं, और अभी आप बड़े पर्दे पर आ चुके हैं, पर्दे पे आए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और राम सेतु से तो बहुत ही अच्छी पिक्चर थी हमारी। अच्छा अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी बहुत सी पब्लिक थी, हम बोले तो अपना थिएटर पूरा भर गया था। हाँ, बहुत से लोग थे, देखा उन्होंने, हमें भी अच्छा लगा। हालांकि चले और चले, और दूसरी बार हमें और मौका मिले, यही चाहते हैं डायरेक्टर सर से। तो इस तरह से ये सब फिल्म में काम कर चुके, ये भी फिल्म के कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है। तो सर, आप कौन से गांव से हैं? सर, हम खुटसावरी से। खुटसावरी से है। तो इस फिल्म में खुटसावरी के बहुत से कलाकार काम कर रहे हैं। सर, कुल 11 कलाकार हैं सर, हमारे गांव से 11 कलाकार। खुटसावरी के 11 कलाकार हैं, और पहली बार ये नाटकों में जो नौटंकी होती थी वहाँ पर काम करते थे, लेकिन अभी पहली बार ये फिल्म में काम कर रहे हैं। तो आपको ये फिल्म में काम करके कैसा लग महसूस हो रहा है कि आप बॉलीवुड में पहुंच गए, ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी पिक्चर भी कभी ऐसी पर्दे पे आएगी, कभी सोचा नहीं था हमने, लेकिन आज वो बातें यानी सफल करके दिखाई सर जी। अरे सर, हाँ, तो और ये अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमको। और ये भंडारा के कलाकार है सर, आपका नाम? मैं कैलाश चुंजले, कैलाश ज्ञानीवंत चुंजले, फ्रॉम भंडारा से। तो सर, आपको आपका रोल कैसा लगा और आपको फिल्म कैसी लगी? पिक्चर औसतन अच्छी लगी सर, और क्या सपनों की नगरी में जैसे आए हम, और जैसे बचपन में हमने सपना देखा था, वैसे ही पर्दे पे आने के बाद सक्सेस हुआ हमारा सपना, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये जो फिल्म शूट हुई थी, तो उस पूरा यूनिट को
ये सर संभालते थे। सर आपका नाम क्या है? मैं सुनील कस्तूर है। इस फिल्म में डायरेक्टर सर ने प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट दिया था। हाँ। और ये फिल्म हमारे भंडारा जिले में बनी हुई है और भंडारा जिले में बनी है और ऊपर से इस फिल्म में जितने भी कलाकार है ये सब गांव से बिलोंग करते हैं, कोई शहर से कोई नहीं है। और यही गांव की जो फिल्म है और जहां पे जो रोल किया है हमारे कलाकार लोगों ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहला शो मैंने देखा है इस फिल्म, हमको ऐसा लगता नहीं था कि इतनी अच्छी भी फिल्म हमारी बनेगी। हमें तो ऐसा लगता है कि सैराट को भी पीछे छोड़ सकती है, ऐसी हमारी ये पिक्चर बनी है। अब कैसा है ये, यहाँ पे जो प्रेक्षक आए थे देखने के लिए उन्होंने जो बताया हमको, हमने पूछे उनसे कि भाई पिक्चर कैसी है हमारी, तो उन्होंने बोला कि एक नंबर पिक्चर बनी है, ये आगे और चल सकती है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। और आगे हमारे प्रेक्षकों को यही विनती है कि हमारी पिक्चर को ज्यादा, तो भंडारा के लोग और भंडारा जिले के लोगों ने फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। हमारे भंडारा जिले के लोगों ने ये फिल्म जरूर देखना चाहिए कि ये गांव के कलाकार, नौटंकी में रोल करने वाले कलाकार आज बड़े पर्दे पर आ चुके हैं। ऑल महाराष्ट्र के बाद में यही पिक्चर हिंदी में आ रही है, ऑल भारत में रिलीज होंगी। अच्छा, ये फिल्म हर कोई अवश्य देखे। एक और कलाकार है जिन्होंने फिल्म में नक्सलाइट का रोल किया था, दामिनी जिसका नाम है, तो आपका फिल्म में क्या रोल था? नक्सलाइट का रोल था। हाँ। तो तभी आपकी शादी होने की थी। हाँ, तभी शादी। और फिल्म में काम करने के बाद आपको आपके हस्बैंड मिले कि तो आपको कैसे लगा दामिनी का रोल? अच्छा लगा। तो आपको गर्व महसूस हो रहा है कि आपकी बीवी फिल्म में काम कर चुकी है? महसूस हो रहा है ना। तो इस तरह से ये दामिनी ने भी इस फिल्म में काम किया है, तो आगे आप फिल्म में काम करेंगे और चांस मिला तो करूंगी। तो इस तरह से इस फिल्म के कलाकार बहुत एक्साइटेड है, तो अभी और दूसरे कलाकारों से मिलते हैं। और इस फिल्म के विलन में से एक बाबा, जिनको बाबा के नाम से जानते हैं, तो सर जी आपको फिल्म में काम करके कैसा महसूस हुआ और फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत बहुत खुशी हो गई सर, बहुत मजा आ गया। आज पहली बार देखा अपने पर्दे पर। और जब फिल्म शूटिंग कर रहे थे तभी तो स्टोरी तो समझ में नहीं आ रही थी किस तरह से, सूझी भी नहीं थी, और फिल्म किस तरह से बनेगी ये भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी फिल्म देखने के बाद कैसी बनी लगता है आपको? मजा आया था, कभी मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इतनी हमारा मतलब हमको ऐसा लगा कि ये पिक्चर मतलब हम पर्दे पे दिखेंगे, यानी हम नौटंकी में काम करने वाले लोग हम पर्दे पर अभी देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब बहुत ही अलग ही तरीके के से मतलब हमारा दिमाग भी ऐसा अच्छा लगता है। और सब भाई लोगों ने देखने को होना कि ये पिक्चर मतलब भंडारे जिले में भी हिंदी भंडारे जिले में है, देखने को होना, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ सबसे। तो आपने देखे है लोगों का किस तरह से रिस्पांस मिल चुका है, और तो इस तरह से ये फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आज पहले दिन पब्लिक से। ये देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पर फिल्म देखने के लिए गाड़ी लेकर आए थे। तो अभी आगे और सैटरडे है, संडे है, तो ये जो वीकेंड रहता है तो इस पर इस फिल्म को और किस तरह से रिस्पांस मिलता है ये देखते हैं। तो अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको ये जो आगे आने वाले वीडियोज है इसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।